Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing acid, base and salt. And this is a video lecture number 5. I hope you have already watched part 1 to part 4 before watching this part 5. In this lecture, we will discuss about the byproducts of salt. What are the byproducts? So first of all, we are going to discuss today, aaj jo baat karne wale hain, usme baat karte hain sodium hydroxide ki. कॉस्टिक सोडा के नाम से इसे हम जानते हैं, कॉमन नेम है इसका कॉस्टिक सोडा, बट इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो लेट अस डिस्कस टुडे फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, दिस इज द कमर्शियल नेम एंड द कॉमन नेम इज, व्हाट इज कॉमन नेम? Common name of this is called caustic soda. Caustic soda, right? This is what common name. Now, first of all, we will discuss about कि sodium hydroxide क्या है और ये कैसे बनता है. उसके बाद हम use करेंगे कि ये करेंगे कोशिश कि पता करें कि इसका use क्या है. दो ही चीजें सीखनी है, बहुत ज्यादा detail में नहीं सीखना है, लेकिन दो बातें सीखनी कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, क्या होता है, और दूसरा इसका यूज क्या है. ठीक है, ये रिएक्शन जो होता है वो NaCl प्लस H2O वाटर, दिस इज इक्वस वाटर मिला देने के बाद कॉमन सॉल्ट में ये बन जाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है. दो गैस इसमें से रिलीज होती है, एक क्लोरीन गैस और दूसरा हाइड्रोजन गैस. ये दो रिलीज होती है कब? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो मिल जाता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज ए क्लोरीन गैस, यू नो क्लोरीन गैस एंड दिस वन इज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, राइट ना? क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेज और ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. सो क्या रिएक्शंस क्या होनी चाहिए और वाटर, यानी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, दैट इज वी कैन राइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through aqueous solution of sodium chloride, then this solution is called brine solution, you know, sodium chloride aqueous solution of this is called brine solution. The name is given brine solution. ब्राइन सॉल्यूशन, राइट ना? इसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड. देन व्हाट विल हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड? देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड NaOH विल फॉर्म, विल फॉर्म विथ evolution of evolve and formed and chlorine and hydrogen gas evolve and chlorine and hydrogen, chlorine and hydrogen gas, hydrogen gas evolve. ठीक है, तो रिएक्शन ऐसा हुआ. अब इसमें जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर, क्लोर अल्काली रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर, क्लोर अल्काली, क्लोर अल्काली रिएक्शन, अल्काली रिएक्शन.
Why? Because it is this reaction will involve chlorine and sodium. So two things are there, alkali, chloralkali reactions. This is called chloralkali reactions. So in this reaction, chlorine gas evolve at anode, while hydrogen gas evolve at cathode. Obviously, so हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन कैथोड पे रिलीज होती है और क्लोरीन जो होता है एनोड पे. इलेक्ट्रोलाइसिस होती है. इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिसिटी देख कैथोड और एनोड रख के और इलेक्ट्रिसिटी उसके जरिए पास करते हैं, तो जो डिसोसिएशन होती है, जो सोल्यूशन होता है, वो डिसोसिएट हो जाता है कटायंस और एनायंस. ठीक है, तो इस तरीके से ये डिसोसिएशन हो जाएगी सोडियम क्लोराइड का. और चूंकि वाटर में हाइड्रोक्साइड है तो इसलिए हाइड्रोजन वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, H प्लस और वह माइनस. जैसे ये NaCl है तो ये ब्रेक हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, और जो वाटर है वो ब्रेक हो जाता है H2O, वो ब्रेक हो जाता है H प्लस और OH माइनस में. तो क्या होता है कि ये जो दोनों है ये आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, को कटायन एक एनायन मिलके बना लेता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और एक क्लोरीन अलग से रिलीज हो जाती है, चूंकि एक एनोड पे रिलीज होता है, निगेटिव है, तो ये एनोड पे रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ये कैथोड पे रिलीज हो जाता है, ये दोनों रिलीज हो जाते हैं. तो इस तरीके से ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब सवाल है कि इनके यूजेज क्या क्या है, वॉट आर द यूजेज ऑफ इट, कॉस्टिक सोडा क्या यूज. तो पहला यूज है कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट. ठीक है, दूसरा इसका क्या यूज है, दूसरा यूज का यूज है कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर एंड पेपर इंडस्ट्रीज. ठीक है, ओके. तीसरा इसका क्या यूज है, इट इज यूज्ड इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट एंड अनग्रीजिंग अदर मेटल्स. दूसरे मेटल को अनग्रीज करने के लिए और बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉस्टिक सोडा का. बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है ओर है, तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है और उसको प्यूरिफाई करने के लिए बॉक्साइट को हम इस कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, and the fourth use is it is also used in oil refinery, right? oil refinery में भी इसका इस्तेमाल होता है. तो ये हुआ इसका कि इसका यूज क्या है. अब सवाल है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन जो इसके बाई प्रोडक्ट हुए उनका क्या यूज है, what is the usage of that chlorine and hydrogen. So usage of chlorine jo iska by product hai, usage of chlorine, pehla chlorine is used in plant of purification of water, of drinking water के लिए जो अलग अलग प्लांट होते हैं
और उन सब प्लांट में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या किया जाए, स्टरलाइज किया सके, जो जर्म्स और बैक्टीरिया हैं उनको स्टरलाइज किया जाए, उनको नष्ट किया जाए, उनको मार दिया जाए, प्लांट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड स्टरलाइज द जर्म्स एंड बैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट, जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट, जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन इट, ठीक है। नाउ सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्विमिंग पूल। आप स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो आप देखे होंगे कि जो वाटर है वो थोड़ा सा उसमें, कभी नहाते नहाते आपके मुंह में वाटर चला जाए तो आपको क्लोरीन की स्मेल भी आती है और क्लोरीन का टेस्ट भी आता है। तो इट इज यूज्ड इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, राइट, इट इज यूज्ड इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल फॉर स्टरलाइजेशन, फॉर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन। अब वहां पे स्टरलाइज करने का क्या मतलब है कि जितने भी लोग जाते हैं उनके शरीर में कोई बीमारी हो, कोई बैक्टीरिया उनके साथ पूल में चला जाए, या बहुत सारे लोग उसी में वेस्ट बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहते हैं, कहने में थोड़ा झिझक लग रही है लेकिन बहुत सारे बेकार लोग जो होते हैं उसी में यूरिनेट वगैरह भी कर देते हैं, तो इस सबको स्टरलाइज करने के लिए जो है वो क्या होता है, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तीसरा, इसका और क्या यूज है, इसका यूज है यूज्ड इन, इट यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक ऐसा चीज होता है जिसको सुंघाने से लोग बेहोश हो जाते हैं, सुना है, ये रुमाल में रख के और क्रिमिनल सब लोगों के नाक के सामने ले जाते हैं, लोग क्या होता है, बेहोश हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर होने की वजह से ये ब्लीच करते हैं, जो डाई क्लीनर्स होती है उनमें भी यूज होगा, डाई क्लीनर्स में ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, डाई स्टफ, डाई स्टफ जो बनता है कलर उसमें भी यूज होता है क्लोरीन का, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्लोरीन का अलग अलग जगह पे कलर, पेंट इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एटसेट्रा इन सब जगहों पे भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। अब सवाल है कि हाइड्रोजन का क्या इस्तेमाल होता है, जो इसका एक बाई प्रोडक्ट निकला हाइड्रोजन, उसका क्या इस्तेमाल होता है, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ उसका क्या यूज होगा। कुछ भी बेकार नहीं है इस दुनिया में, जो कुछ भी निकलता है सबका कुछ ना कुछ इस्तेमाल है। सो व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट पॉइंट, लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर एज फ्यूल, फ्यूल इन रॉकेट, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल की तरह होते इस्तेमाल किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाइड्रोजन इज यूज फॉर हाइड्रोजिनेशन, सेकेंड, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन, इन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल कैन बी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इंटू वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी, व्हाट इज दिस, सॉलिड ऑयल, सॉलिड ऑयल, थोड़ा सा ये सॉलिड ऑयल होता है ये। तीसरा, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया,
It is used in manufacturing of ammonia, ammonia that is fertilizer, fertilizer, right? And then and production of hydrochloric acid, production of hydrochloric acid, hydrochloric acid, right? Hydrochloric acid is used in preparation of, and that hydrochloric acid, chloric acid, used in manufacturing of, used in manufacturing of, manufacturing of ammonium chloride, of ammonium chloride, ammonium chloride, ammonium chloride, cosmetic and medicine, ammonium chloride, chloride, medicine, medicine and cosmetic, medicine and cosmetic, medicine and cosmetic items, ठीक है ना। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का ये इस्तेमाल होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जितने बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है, ये बात पता चल गई और हमने ये बात सीख लिया। अब अगला जो टॉपिक है वो है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर ये इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। तो केमिकल नेम क्या है इसका? केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये है इसका फॉर्मूला CaOCl2, CaOCl2 लाइक दिस, CaOCl2 लाइक दिस, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ये बनता कैसे है? ये बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हेन, प्रिपेयर्ड व्हेन क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस पास थ्रू, लाइम, ये भी कॉमन नेम, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो जब क्लोरीन गैस पास की जाती है इस स्लैक लाइन पे CaOH2, CaOH2 और क्लोरीन गैस जब इसमें पास की जाती है, यह है लाइम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस पे जब क्लोरीन गैस पास की जाती है तो बनता है ये Cl2, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस जब इस पे पास की जाती है तो ये बनता है, ये बन जाता है CaOCl2, CaOCl2 और वाटर रिलीज होता है, वाटर,
ठीक है, ये है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, राइट, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके का ये रिएक्शन होता है और इस तरीके से ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट आर द यूजेज, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, राइट, फर्स्ट यूज इज दिस। सेकेंड यूज इज, इट इज यूज एज डिसइनफेक्टेंट, इन्फेक्टेंट, राइट, ऑफ वाटर, पानी में मिलाया जाता है, जहां पे पानी बढ़िया नहीं आता वहां पे सलाह दी जाती है कि आप ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा मिलाएं और उसके बाद स्टरलाइज होने दें, उसके बाद उसे पिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट, राइट। चौथा इसका क्या यूज है, इसका चौथा यूज है, इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड लॉन्ड्री, लॉन्ड्री फॉर व्हाट, फॉर क्लीनिंग पर्पस, फॉर क्लीनिंग पर्पस, राइट ना, सो फॉर क्लीनिंग पर्पस, फॉर क्लीनिंग पर्पस। क्लीनिंग पर्पस, ठीक है। तो इस तरीके से इसको साफ करने के लिए, कागज को या कपड़े को साफ करने के लिए, कपड़ा जहां मैन्युफैक्चर होता है उसको धोया जाता है पहले, फिर उसको बाद उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसको फायर टेस्ट होती है, उसको सुखाया जाता है और उसके बाद उसको फिर आगे आपको प्रोसेस करके भेजा जाता है, आयरन किया जाता है। तो इस तरीके से इन सब में पहले वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हर एक कपड़ा को बनने के बाद उसको वॉश किया जाता है और उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो ये है इनका इस्तेमाल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है उसको कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये है हमारा कॉमन नेम, बेकिंग सोडा कॉमन नेम है, बेकिंग सोडा। असली नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हाट इज दैट, NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या हो गया, NaHCO3। अब सवाल ये है कि ये बनता कैसे, यही हमें सब में सीखना है ना। ब्राइन सॉल्यूशन में यानी NaCl प्लस H2O में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस दोनों जब पास करते हैं तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl प्लस NaHCO3, ये बनता है। ये सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, पीछे अभी हमने डिस्कस किया था, इसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों पास करते हैं तो ये बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड और ये बेकिंग सोडा। क्या दूसरा क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, कार्बोनेट, राइट, तो ये बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये बनता है। तो ये दो चीजें बनती है, कैसे बनती है, ये
अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रिएक्शन से ये दोनों चीजें बनती है। अब सवाल है कि इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज, बेकिंग सोडा, बेकिंग नाम ही है कि बेकिंग, यानी बेकरी में इसका इस्तेमाल होता है चीजों को सॉफ्ट बनाने के लिए, पकौड़ा बनाना हो, जलेबी बनाना हो, और कोई आइटम बनाना हो तो उसमें हम बेकिंग सोडा, रसगुल्ले बनाना हो, गुलाब जामुन बनाना हो, तो इन सब, आप देखिए आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो ये सब जो चीजें हैं बनाने के लिए किचन में इस्तेमाल किया जाता है, तो यूज्ड इन किचन एंड इन बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री, ठीक है, ये बेकिंग सोडा को ये इस्तेमाल करते हैं टू मेक, वही टू मेक सॉफ्ट एंड ऑल्सो यूज फॉर फास्ट कुकिंग, जल्दी अगर आपको खाना बनाना है तो आप उसमें थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल दीजिए तो जल्दी से खाना बन के आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेकिंग सोडा और इसका ये यूज है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, राइट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O, और 10H2O मिला देने से क्या हो गया, इसको कहेंगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये है इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम, ठीक है, वॉशिंग सोडा। तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है और ये कैसे बनता है इसके बारे में आप सीखते हैं। तो ये टॉपिक में क्या है कि सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा क्या है और ये बनता कैसे है। सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है, तो ये है कि बेकिंग सोडा को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट इज मेड बाय, कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इट रिक्रिस्टलाइज, इट रिक्रिस्टलाइज, लाइज इन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, राइट। सो Na2CO3 प्लस H2O, 10H2, ये मिला दें तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, 10 वाटर मॉलिक्यूल, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। So what are usage of this? What are usage? So usage of all this is, it is used in glass paper and soap industry, right? Baking soda, washing soda used in this. It is also used as, it is washing nami, it is used as in making soap and detergent, it is also used in making soap and detergent, which is used in laundry for washing the cloth. It also used in removal of hardness of water and manufacturing of sodium compound like बोरेक्स, राइट ना। सो बोरेक्स के यूज में भी इसका इस्तेमाल, बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये तीन चार इस्तेमाल आप समझ जाएंगे, आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट
hemihydrate, hemihydrate, calcium sulfate hemihydrate. This is a CaSO4 into half H2. हाफ एच टू होने की वजह से हेमी कर, हेमी का मतलब होता है आधा, जैसे हेमी स्फीयर, आधा स्फीयर, उसी तरह से हेमी क्या, हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल, और कैल्शियम सल्फेट तो आपको पता ही है, इसको कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कैसे बनता है, व्हेन जिप्सम, जिप्सम इज हीटेड, heated at 373 Kelvin, then it loses water molecule, and form plaster of Paris, ठीक है, कैसे, तो ये देखिए, ये जो है हमारा क्या है, ये तो कैल्शियम, जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, इंटू टू एच टू, इसको हीट करते हैं कितना, 373 केल्विन पे, ठीक है, 373 केल्विन पे इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है CaSO4 इंटू हाफ एच टू ओ, और 1½ H2O इसे उड़ जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, ठीक है ना, ये बनता है। अब इसका क्या यूज है, ये समझते हैं, यूज क्या है इनका, यूजेज, ठीक है, इनके यूजेज क्या है, तो पहला यूज क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इट इज यूज, आपको भी पता है बचपन से तो यूज करते आए हो, इट इज यूज इन मेकिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बनाते थे बचपन में, ठीक है, स्टैचू, बनाने में इस्तेमाल होते थे, ठीक है, मूर्तियां बनाते थे, इसको मूर्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, तरह तरह की डिजाइन बनाते थे। दूसरा पॉपुलरली इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी, शॉर्ट में प्यार से इसको पीओपी, तो अब आप पीओपी से सुन रहे हो कि घर में आपके जब भी काम हो रहा होगा तो आपको कहा जाओ कि पीओपी करवाना है, और पीओपी किस लिए होते हैं, जो दीवार को चिकना करने के लिए और तरह तरह के फ्लोर पे सीलिंग पे डिजाइन बनाने के लिए, तो पीओपी इज यूज्ड इन मेकिंग डेकोरेटिव डिजाइंस, डिजाइंस ऑन फ्लोर, वॉल, सीलिंग, ऑफ रूम्स एटसेट्रा, ठीक है। तीसरा, कभी आपको चोट लगी, हड्डियां टूटी है कि नहीं टूटी, क्या खेलते हो यार आप लोग, खेले नहीं कभी, टूटे नहीं हड्डियां उड़िया, हाथ पैर नहीं टूटे, साइकिल वाइकिल से नहीं गिरे कभी, अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर गिरे हैं, अच्छा गिरा है, एक आदमी गिरा है, ठीक है, तो अगर गिरे हैं आप, तो उसमें आपकी हड्डियां टूटी होगी, तो डॉक्टर उसको सही जगह पे रख के और उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर करता है, तो प्लास्टर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी को पीओपी कहते हैं, इज यूज्ड टू रीसेटल, ऑफ द बोन, when it fractured, or dislocated, ठीक है, तो उसको अपनी जगह पे रखने के लिए डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और टूथ की डिजाइन बनाने के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, आप कभी किसी का दांत वगैरह में ब्रिसल्स लगे हों, तार जो लगता है, और उसके बाद जो होता है उसकी एक डिजाइन बनाने के लिए उनको एक प्लास्टर ऑफ पीओपी का एक डिजाइन बना के देते हैं फाइनली, जो कि बच्चे बड़े दिन तक लगाते हैं, फिर उनकी दांत सेटल हो जाता है, जो दांत आगे निकल रहा होता है वो पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी यूजेज है,
अभी आपने देखा कि फॉर्मूले में हमने कहीं लिखा हाफ एच टू, कहीं लिखा टेन एच टू, ये क्या होता है? इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, सम ऑफ द कंपाउंड सिम्स टू अपीयर लाइक ड्राई बट उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट ना। इन सम ऑफ द सॉल्ट, सम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड सम वाटर मॉलिक्यूल, सम वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म अलोंग विथ कंपाउंड, कंपाउंड आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, ऑल्दो इट सीम्स ड्राई, इट सीम्स ड्राई, दैट वाटर मॉलिक्यूल, दैट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, दैट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप, फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 इंटू 10H2, ये अभी लिखा था हमने, है ना, सोडियम कार्बोनेट, राइट, इसका फॉर्मूला नाउ CuSO4 इंटू 5H2, ये होता है H2, और FeSO4 इंटू 7H2, दीज आर कॉल्ड, ये तो आपको पता ही है, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा, राइट, ये है, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, सल्फेट, राइट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इसको ये हाइड्रेटेड क्यों, यानी जिसमें भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे क्रिस्टल फॉर्म में, उस सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहेंगे, ठीक है, तो उस सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल, विट्रियोल, और इसको कहते हैं ग्रीन विट्रियोल, हरा तूतिया और ब्लू तूतिया, हिंदी शब्द है, इसलिए बोलते हैं इसको हरा तूतिया, तूतिया, तूतिया नहीं, यस तूतिया, ब्लू तूतिया और हरा तूतिया, ये बोलते हैं इसको, तो ये ग्रीन और ये इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यानी जिसमें भी वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिस सॉल्ट मॉलिक्यूल में, जिस सॉल्ट में ये H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम कहेंगे, अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट से वाटर क्या होते हैं, हीट करने पे वाटर क्या होगा, उड़ जाएगा, तो इस तरह से ये बन जाएंगे और ज्यादा ड्राई। तो ये जो है, इसके बाद ये K2SO4 Al2SO4 3 इंटू 24H2O, इसको हम कहते हैं एलम, एलम मतलब ये होता है फिटिकरी, एलम फिटिकरी हिंदी में कहते हैं, जो सेव वेव करने के बाद आपको लगाया जाता है, यूजुअली देखे होंगे कि सैलून में जाने के बाद आपकी जैसे ही सेविंग वगैरह कोई होती है या कहीं कट फट होती है तो ये फिटिकरी लगाई जाती है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि ये K2SO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, तो ये भी होता है, इसको भी एलम ही कहते हैं। तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, ये दोनों याद रख सकते हैं आप, और इस तरीके से आप सीख पाएंगे कि अलग अलग इसका इस्तेमाल क्या होता है, एसिड बेस ऑन सॉल्ट, ये सब भी तरह तरह के सॉल्ट है। सॉल्ट जो होता है वो बेसिकली
इस जिस तरह से हमने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा के सॉल्ट बना सकते हैं। इसके अलावा भी जो सी वाटर होता है उससे बड़े मेजर पैमाने पर सॉल्ट बनाया जाता है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था और नमक आंदोलन चलाया था, उन्होंने खुद से नमक बनाई थी अंग्रेजों के जमाने में। पहले अंग्रेज लोग ही नमक बना पाते थे, उन्हीं के पास इसकी राइट थी, हिंदुस्तानियों को नमक बनाने की इजाजत नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि समुद्र का जो सी वाटर था उसको एक जगह इकट्ठा किया वो बाहर से, और उसपे उसको सुखा करके बनाते हैं, उसमें से फिर उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं, ताकि सॉल्ट में सिर्फ कॉमन सॉल्ट ही नहीं होते, और भी तरह तरह के सॉल्ट होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, फिर खाने लायक सॉल्ट बनाया जाता है। कई सी का ऐसा पार्ट है जो पहले सी रहा होगा और फिर किसी कारण से सूख गया होगा, तो उसके पानी सूख करके चट्टान की तरह, रॉक की तरह बन जाते हैं, उसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। ये भी मिलता है, आप देखे होंगे भूरे कलर का, ब्राउन कलर का मिलता है ये रॉक सॉल्ट, और लोग खरीद के खाते हैं उसको भी पीस के। उसमें और भी तरह तरह के सॉल्ट होते हैं, इसमें नॉट ओनली द सोडियम क्लोराइड बट सम अदर सॉल्ट आर ऑल्सो मिक्सड विथ इट, तो वो भी लोग खरीदते हैं, खाते हैं। आप भी खाइए, मजे कीजिए, और इस चैप्टर को इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज हमें लिखें, हमारा ईमेल आईडी है arvindsinghacademy@gmail.com, और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से लिखें। आप मस्त रहें, आनंद रहें, एंजॉय करें, वीडियो देखते रहें हमारी, और इसी तरह से अपना प्यार हम पर बरसाते रहें, मेहरबान रहें। थैंक यू वेरी मच।